नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। 6 नवंबर है, टाइम की अगर बात करेंगे तो 12-1 बजे के आसपास टाइम है। राकेश आलू कंपनी पे है, हमारे साथ मंडी अध्यक्ष पंकज कुशवाहा जी हैं। अगर बात की जाए इधर साइड में तो हमारे साथ 2 किसान भाई हैं जो आगरा क्षेत्र के हैं। भैया लोगों से जानेंगे आलू की अगर बात की जाए तो लगभग मैं नेताजी के यहाँ सभी आलूओं की बिक्री हो गई है। तो हमारे साथ किसान हैं, इनसे शुरुआत करेंगे। भैया से जानेंगे नाम क्या है, कौन गांव से हैं और कितना आलू लाए हैं। भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नारायण भदौरिया। भदौरिया जी, अपना कौन सा आगरा क्षेत्र पड़ता है? या बहा आगरा बावटे सर। अच्छा भैया, आज की अगर बात करें तो मंडी में कितना आलू लाए थे? आज हम 266 रुपए लेके आए थे। बिक गया सब? बिक गया। का भाव में बिका अपना? 21 रुपए मोटा आलू बिका है। छट्टा लाल छट्टा आलू की अगर बात करें, सफेद का होगा? हाँ, हाइब्रिड नहीं, 37-37 37-97। गीला था या सूखा था? गीला ही था। गीला था तो गीला 21 रुपए का बिका है। हाँ। गुल्ला लाए हैं कुछ? गुल्ले लेके आए थे। तो गुल्ले का क्या माहौल चल रहा है? गुल्ला हमारा बिका 14 रुपए। 14 रुपए सूखा था या गीला ही था? गीला था। तो इस तरीके का होगा ये क्वालिटी माने है? हाँ जी। इससे हल्का है? थोड़ा हल्का था कलर, थोड़ा 17 रुपए, थोड़ा हल्का। ये देखिए ये वाला अगर देखेंगे तो ये जो बिका है वो 17 रुपए में हल्का थोड़ा था। तो भैया आपने कोल्डों का क्या माहौल है, समय निपट गया मामला कि आलू थोड़ा बचा है कोल्डों में? थोड़ा ही बहुत है, निपट ही गया। निपट गया 10-12 दिन का ही मान के चलो हमारे बात क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ अक्टूबर ही चलता है कोल्ड स्टोर, अक्टूबर ही चलता है। तो अपने यहाँ कोल्डों में लगभग माना जाए तो कितना कितना पैकेट बचा होगा? 5-10 हजार कितना बचा होगा? वही किसी में 10 हजार, किसी में 15 हजार, किसी में 7-8 हजार। 7-8 हजार तो अपने पास कितना बचा है, निपट गया है कि कुछ बचा है? हमारे पास करीब 6-7 कट्टे रखे मोटे के। हाँ, तो गुल्ले के होंगे 4-5 कट्टे। 4-5 सौ। तो आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि इनको निपटा देंगे? 15 नवंबर तक निकाल देंगे। 15 नवंबर तक? देखिए 15 नवंबर तक निकाल देंगे। भैया हैं किसान भाई आगरा क्षेत्र के, हमारे साथ मंडी अध्यक्ष पंकज कुशवाहा जी हैं। सर जी से जानेंगे आज का माहौल क्या रहा है मंडी में, और आज की अगर किसान भाइयों बताएं तो कानपुर मंडी में नए आलू की भी शुरुआत हो गई। पंजाब का आला किया है? हाँ, पंजाब का आलू नया आया है, लेकिन हमारे लोकल का भी नहीं आया। अच्छा, लोकल के आलू की क्या उम्मीदें लग रहे हैं सर जी, कब तक उद्घाटन हो सकता है? आपने यूपी के आलू की बात की जाए, अब हम लोगों के अनुमान से तो लग रहा है कि ये दिसंबर की शुरुआत में आए। दिसंबर की शुरुआत, 2-4-5 दिन पहले या 2-4-5 दिन बाद? बिल्कुल बिल्कुल, कोई माने 25 नवंबर या 1-2 दिसंबर, 25 से 5 के बीच में जो है आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए जी। अच्छा, आज की हम लोग बात करें, कल और आज में क्या परिवर्तन है, किस तरीके का माहौल है? ठीक है, कल भी माहौल बढ़िया रहा, आमदनी 40-50 गाड़ी की कल थी, आज लगभग 50-60 गाड़ी के आसपास होगी। हाँ। बाकी बिक्री ठीक है, कल भी अच्छी बिक्री रही, आज बिक्री बढ़िया है। अच्छा, छठ पूजा का कोई असर मंडी में कुछ दिखा किसी तरीके का? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बिक्री हमारे अच्छी हो रही है, व्यापार ठीक से चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ असर नहीं दिख रहा है। अच्छा, आज का माहौल अगर माने जो मंडी में माल है, क्या निपट जाएगा या थोड़ा बहुत बैलेंस छूटेगा? मंडी में बिक्री बहुत जबरदस्त हो रही है, मेरे हिसाब से टोटल आलू बिक जाएगा, ज्यादातर माल बिक गया। अच्छा, आपने अगर देखे तो लगभग सभी लाटें बिक गई? हाँ, हमारे पास 5-6 गाड़ी आलू था, 6-7 गाड़ी जो भी था सब बिक गया। यहाँ ये दुकान अपनी है, 2 दुकान छोड़कर 2 दुकानें और अपनी है। अच्छा, उधर साइड में अगर देखा जाए? हाँ, उधर भी वो भी दुकान अपनी, वहाँ काम चलता अपना, वहाँ पे भी चलता है। हाँ। तो भैया आज के भाव की हम लोग अगर शुरुआत करें, जैसे कि अपना ये छोटा आलू है कि इसको बोलेंगे किर्री वाला। हाँ। ये इस तरीके के आलू, ये भैया क्या भाव में बिक रहे हैं? 14 रुपए बिका बीजा सफेद का बीजा। अच्छा, लाल का भी बीजा बने, ये लॉकर का था? ये लॉकर का बीजा बिका 22 रुपए। लॉकर का 22 का है जी। लॉकर और सिंदूरी और कंचन ये लगभग एक ही भाव में आ जाएंगे? हाँ, 19-20, 1-2 रुपए का 19-20 रहता है ये फर्क। सिंदूरी आज भी की है, 25 रुपए तक बिका है। हाईलैंड बिका 25-26, कंचन बिका है 23 रुपए की पोजीशन तक। लगभग वही माने बाजार है, कल्ली वाली है? बिल्कुल वही बाजार है, वैसी फास्ट बिक्री है। हाँ। और व्यापार ठीक है, अच्छा व्यापार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों में तो चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि छठ पूजा की वजह से व्यापारी कल परसों 1-2 दिन मंडी में थोड़ा कम रहेगा, क्या ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा है, छठ का पर्व बिहार का बहुत बड़ा पर्व है और ये पूरे देश में मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल जो लोगों ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं कल या परसों में 19-20 कुछ ना कुछ त्योहार का प्रभाव तो रहेगा ही। 1-2 दिन क्या आपके मानने से 1-2 दिन आमदनी थोड़ी कम करनी चाहिए किसानों को? आमदनी तो वैसे भी कम आ रही, कोल्डों में बीजे की निकासी हो रही, जो गाड़ियां लग जाती है वो समय पर लोड नहीं हो पा रही है, तो जितनी आमदनी आ रही है उस आमदनी के हिसाब से कोई इतना विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है।
परिवर्तन को जाना कोई खास लग नहीं रहा है कोई मतलब मामला अगर देखा जाए जो आमदनी आ रही है इसी तरीके का आमदनी अगर चलती रहे तो जो बाजारे हैं इसे 19-20 करके स्थिर रहेंगी स्थित रहेंगी। ये भी भैया किसान है आगरा क्षेत्र के हैं, भैया से जाने के कितना पैकेट लाए थे, बिका की नहीं बिका? भैया क्या नाम है, अपना नाम बताइए थोड़ा। सिंह। अपना कौन सा क्षेत्र है? सिरसागंज। सिरसागंज साइड में तो छोटा वाला गुल्ला होता है, गुल्ला भी होता है, हाँ सब होता है। तो अपना कौन सा आलू था? हम मोहन लेके आए थे, मोहन हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या माहौल चल रहा है इस समय? बिका है 21 रुपए तक, बिका है 21 रुपए तक। वही बाने कल वाली बजाने का था, मतलब जो गीला सूखे के ऊपर अंतर होता है, सूखा होगा तो कहीं ना कहीं वही बजाने होंगे, गीला होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मामला बिक सकता है फिलहाल में। और मंडी की हलचल अगर देखे तो ये इस तरीके के देखिए आलू है और इन आलुओं की बिक्री फिलहाल के तौर पर हो गई। ये वाले सामने अगर देखेंगे तो ये छट्टा है, हाइब्रिड का है, मोहन का है भैया बता रहे हैं। और भाव की अगर बात की जाए तो ये अपना 2050 में है और ये वाला जो है ये भी 2050, 2100 रुपए किसान, 2050 किसान का दाम ये भी है। तो माहौल की फिलहाल की स्थिति को देखते हुए स्थिति ठीक ठाक है। ग्राहकी की अगर बात की जाए तो ग्राहकी भी मंडी में कहीं ना कहीं ठीक नजर आ रही है। फिलहाल में अगर बात की जाए छठ पूजा है, कल परसों में क्या माहौल रहेगा उसकी भी स्थिति दिखाएंगे। आज की जानकारी अगर पसंद हो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।